नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटाई, ये शर्तें रहेंगी लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटा दी है। ये रोक 21 से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि के लिए हटाई गई है। बता दें कि 1 नवंबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इस अवधि के दौरान सामान्य तबादले होंगे, हालांकि ऐसा करते समय सरकार की ओर से जारी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। जिला परिषद कैडर कर्मियों की हड़ताल खत्म, कल से काम पर लौटेंगे। जिला परिषद कैडर कर्मियों ने शनिवार को पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह की ओर से सभी मांगे मनवाने के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली है। ये कर्मचारी 30 सितंबर से हड़ताल पर चल रहे थे। बता दें कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ प्रधान उप प्रधान नागेंद्र चंदेल ने बताया कि सोमवार से सभी कर्मी काम पर वापस लौट जाएंगे। वह पंचायती राज मंत्री ने 30 अक्टूबर को दोबारा बैठक के लिए सचिवालय में आमंत्रित किया है, जहाँ मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। वह जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। हिमाचल में 10,000 मेधावियों 7,510 प्राइमरी शिक्षकों के लिए टैब खरीद शुरू। जो हिमाचल प्रदेश के 10,000 मेधावियों और 7,510 प्राइमरी शिक्षकों के लिए टैब की खरीद शुरू हो गई है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि 23 अक्टूबर से कंपनियां टैबलेट देने के लिए आवेदन कर सकेंगी। वहीं 7 नवंबर को बीट खुलने पर टेंडर अवार्ड होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग जुट गया है। वह पूर्व की सरकारों के समय में मेधावियों को दिए जाने वाले टैबलेट के अब नहीं मिलेंगे। वह प्रदेश सरकार ने लैपटॉप की जगह टैबलेट देने का फैसला लिया है। लोकसेवा आयोग ने घोषित किया HAS प्रारंभिक शिक्षा का परिणाम। राज्य लोकसेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि HAS की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं 1 अक्टूबर को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर HAS मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। बता दें कि लोकसेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी योग्य अभ्यर्थियों को HAS मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए लिंक 25 अक्टूबर तक सक्रिय हो जाएगा। नया रसोई गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, 3,000 रुपये तक बढ़े दाम। जे रसोई गैस का नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को अब जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। वह गैस कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी राशि पहले 1,400 रुपये थी, जो अब 2,500 रुपये कर दी गई है। वह इसका सीधा असर नए उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वह पहले एक सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा और रेगुलेटर 4,500 रुपये में मिलता था, लेकिन अब 6,000 से 6,500 रुपये तक मिल रहा है। वहीं दो सिलेंडर गैस चूल्हा और रेगुलेटर के साथ डबल कनेक्शन पहले 67 तक में मिल रहा था, वहीं अब यह 9,700 रुपये का मिल रहा है। वहीं उधर इंडियन ऑयल की ओर से हाल ही में रिफिल भरवाने के लिए कालाबाजारी को रोकने को लेकर सख्ती की गई है। इसके बाद अचानक नए कनेक्शन लेने के लिए लोग गैस एजेंसी में पहुंच रहे हैं। वह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नियंत्रक पवन कुमार ने बताया कि कंपनी की ओर से नया कनेक्शन देने के लिए सिक्योरिटी राशि को बढ़ाया गया है। धर्मशाला स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाले भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में स्टेडियम में कई वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि धर्मशाला में खेले गए विश्व कप के 3 मुकाबले के दौरान स्टेडियम में प्रवेश द्वारों पर दर्शकों के हाथों से चांदी के कंगन और महंगे ईयरफोन गेट पर ही रखवा लिए थे। वहीं मैच खत्म होने के बाद कई दर्शक अपनी चीज़ों को ढूंढते दिखे, इसके चलते कई दर्शकों को परेशान होना पड़ा। वहीं मैचों के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम में कई चीज़ों को ले जाने के लिए प्रतिबंध रहता है। इसकी सारी जानकारी टिकट के पीछे दी जाती है। इसके बावजूद दर्शक इन नियमों पर ध्यान न देकर अपने साथ सामान ले जाते हैं। हाटी को जनजाति का दर्जा देने के लिए खिलाफ लामबंद हुए गुर्जर। जो हिमाचल में हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में गुर्जर समुदाय फिर लामबंद हो गया है। वह गुर्जर समाज ने RTI से जुटाई तथ्यों के आधार पर हाटी को जनजाति का दर्जा देने पर कई सवाल उठाए हैं। इस दौरान पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि हाटी कोई जाति नहीं है और न ही इसका राजस्व रिकॉर्ड में कोई जिक्र है। वह जब हाटी नाम का कोई समुदाय नहीं, कोई इतिहास और सामाजिक अस्तित्व नहीं, तो फिर इसे जनजाति कैसे घोषित किया गया। आपदा के बाद पुनर्वास की शुरुआत, कुल्लू में 324 परिवारों को मकान बनाने की पहली किस्त जारी।
जे जुलाई अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से आई आपदा ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार को बारिश की वजह से करीब 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब सरकार आपदा प्रभावित तक राहत पहुँचाने के लिए पुनर्वास की शुरुआत कर चुकी है। अभ्यास के दौरान घायल हुए सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को मधुमक्खी ने काटा। जे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को न्यूजीलैंड के साथ होने वाले मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन घायल हो गए हैं। वह घायल होने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अभ्यास नहीं किया। वह शनिवार शाम के समय भारतीय टीम के खिलाड़ी स्टेडियम में फ्लड लाइट में अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान भारतीय टीम के थ्रोअर रघु की ओर से सूर्य कुमार यादव को फुल टॉस गेंद फेंकी, जो उनकी दाई कलाई पर लगी। इसके बाद उनकी कलाई से बर्फ से सिकाई भी की गई। वह कलाई में गेंद लगने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अभ्यास नहीं किया। पहली बार अक्टूबर माह में साच पास की बहाली का कार्य शुरू, पांगी के लोगों को मिलेगी राहत। जनजातीय क्षेत्र पांगी के लोगों को पहली बार अक्टूबर माह में साच पास मार्ग पर परिवहन सेवा का लाभ मिल सकता है। वह लोक निर्माण विभाग ने पांगी की तरफ से 3 JCB मशीनें लगाकर साच पास को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया है। 1 या 2 दिन में यह मार्ग यातायात के लिए बहाल हो सकता है। हालांकि हर साल 15 अक्टूबर के बाद साच पास को प्रशासनिक तौर पर यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद भारी बर्फबारी के चलते मार्ग बंद हो जाता है। सीएम सुक्कू ने दिए निर्देश, जुबड़हट्टी के पास बनाएंगे पहली भूकंपरोधी माउंटेन सिटी। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जुबड़हट्टी के पास हिमाचल की पहली भूकंपरोधी माउंटेन सिटी बनाई जाएगी। वह हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक में 13,073 करोड़ की परियोजना के लिए भू अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने बैठक में कहा कि इस बार बरसात में प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए भविष्य में भूकंपरोधी तकनीक से निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। एम्स बिलासपुर में मिलेगी बोन मेरो और अंग प्रत्यारोपण की सुविधा, औपचारिकताएं पूरी। जे एम्स दिल्ली और PGI के बाद अब बिलासपुर एम्स में भी प्रदेश के लोगों को बोन मेरो और अंग प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी। वह सुविधा शुरू करने के लिए एम्स औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। वह एम्स प्रबंधन से मंजूरी मिलते ही अंग प्रत्यारोपण के लिए बैंक स्थापित करने का काम शुरू होगा। वह उम्मीद की जा रही है कि 1-1.5 साल में एम्स में यह सुविधा शुरू होगी। वह ब्लड बैंक, ब्लड डिसऑर्डर और अप्लास्टिक एनीमिया के इलाज में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। वह दिल्ली एम्स में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का खर्च 5 लाख रुपये के आसपास आता है। अगर PGI की बात करें तो वहां 5 से 6 लाख रुपए के खर्च बीच आता है। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के कल्याण के लिए योजना बनाएगी प्रदेश सरकार। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शिमला के समीप भराड़ी स्थित शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाकर एक योजना बनाई जाएगी। वहीं पुलिस जवान निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। बता दें कि पुलिस कर्मी देश सेवा का अथक भाव रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बोला हमला, कहा 5 साल में हुआ भ्रष्टाचार का नंगा नाच। जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है और मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। हिमाचल के 4 नगर निगमों का चुनाव फंसा, अब विधि विभाग से ली जा रही राय। जो हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम का चुनाव फंस गया है। संबंधित क्षेत्रों के विधायक नगर पंचायत और नगर परिषद की तर्ज पर निगम के महापौर तथा उप महापौर के चुनाव में वोटिंग राइट मांग रहे हैं। ऐसे में निगम महापौर और उप महापौर की सारी चुनाव प्रक्रिया रुक गई है। ऐसे में शहरी विकास विभाग ने यह मामला प्रदेश सरकार को भेजा है। वह सरकारी स्तर पर इस मामले में अब विधि विभाग से कानूनी राय ली जा रही है। इसके बाद ही सरकार की ओर से चुनाव संबंधित आगामी अधिसूचना जारी होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है, वही राजधानी शिमला अंग्रेजों के जमाने का नगर निगम है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। और सभी को इसके साथ ही दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।